नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूं एक बहुत ही ऊंचे हिल पे। आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम यहां पे आए हैं एक अपहिल ड्राइव के लिए। आपको ये बताने के लिए कि आपको एक पहाड़ी एरिया में, एक हिली एरिया में आपको कैसे ड्राइव करना होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ड्राइविंग की प्रक्रिया को और बताते हैं आपको कि किस तरह से आपको ड्राइव करना होता है बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, अपहिल ड्राइव की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, वहाँ पे ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे को कि अपहिल ड्राइविंग के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपहिल ही जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में। अपहिल में आपको क्या है, गियर शिफ्टिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा आरपीएम आपको चाहिएगा, क्योंकि लोड ज़्यादा लेगी गाड़ी अपहिल जाने में। तो उसके लिए आरपीएम आपका 2000 के ऊपर जा सकता है, 2000 से 2200 2500 तक जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है गाड़ी पे जब अपहिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही एक शार्प टर्न है। ऐसे टर्न पे आपको कभी भी स्पीड में नहीं चलाना होता गाड़ी को। ऊपर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने न्यूट्रल छोड़ रखा है या क्या कर रखा है, इंजन ऑफ करके चला रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हर एक ड्राइवर का अलग अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पे इनमें से कुछ तरीके गलत भी हो सकते हैं। तो अगर कोई ऊपर से व्हीकल आ रहा है और आप स्पीड में नीचे से जा रहे हैं तो वहाँ पे टकराने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। देखिए, मैं इसके पीछे चल रहा हूँ तो थोड़ा मैं इसे भी रिस्की मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। तो कोशिश करूँगा कि इसको मैं ओवरटेक ही कर लूँ। दोस्तों, ये बहुत ही एक वैसा मतलब टर्न है जहाँ पे साइड में रोड ख़त्म हो रहा है। तो आप ये देखिए कि प्रॉपर आपकी ब्रेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि आप गाड़ी को जो है टाइम रहते कंट्रोल कर सकें। जब आप गाड़ी को जो है हिल्स पे बहुत ज़्यादा देर तक चलाते रहते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी पर और भी ज़्यादा लोड पड़ने लगता है। अब आपको वहाँ पे क्या करना है, सेकंड गियर में या थर्ड गियर में आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पिकअप नहीं कर पाते गाड़ी को, तो आपको फर्स्ट या सेकंड में लेना होता है। तीसरे या चौथे गियर में आप पिकअप नहीं कर पाते गाड़ी को कई बार। और यहाँ पे देखिए, फिर से थर्ड गियर में जो है थोड़ा सा लोड ले रही है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है घुमाव है और चढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है। अब मेरे को यहाँ पे लोअर गियर में लेना ही पड़ेगा गाड़ी को और थोड़ा सा एक्सेलरेट करके 2200 के आसपास जो है आरपीएम जाएगा और तब आप जो गाड़ी को अच्छे से पिक कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे देखिए, सीधी चढ़ाई है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पे ब्रेक मारें या कुछ भी, आपको सिर्फ सीधा चलना रहना है। ऐसे हिल एरिया में आपको जो है शार्प टर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देखिए कितना शार्प है। हमेशा ट्राई करिए कि यहाँ से आप स्लो ही निकालें गाड़ी को, ज़्यादा स्पीड में ना हो। दोस्तों, अब ऐसे अपहिल ड्राइव जब आप करते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि जब अपहिल जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्रेक लगानी होती है तो पीछे की तरफ गाड़ी जो है सरकती है, तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी होती है, आपका पैर जो है क्लच पे और ब्रेक पे दोनों पे एक साथ रहना चाहिए। आप वहाँ पे क्लच वाला जो पैर है उसको रेस्ट मत दीजिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको चौकन्ना रहना पड़ता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम अपहिल जा रहे हैं, अगर मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ती है तो मैं साथ में जो है हैंड ब्रेक का भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा और मेरे को सेफ फील होता है हैंड ब्रेक्स मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैंड ब्रेक खींच लूँगा अपनी। और अब मेरे को अगर आगे बढ़ना है, पहले गियर शिफ्ट कर लीजिए, फिर हैंड ब्रेक को खोलिए और धीरे धीरे क्लच रिलीज करके आप एक्सेलरेट करिए धीरे धीरे, फिर थोड़ा और एक्सेलरेट करके आरपीएम 2000 के आसपास जाए, दूसरा गियर शिफ्ट कीजिए और आगे अपनी गाड़ी को निकालिए। तो ये चीज़ आपको करनी होती है जब आप अपहिल ड्राइव में किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तो आप हैंड ब्रेक का यूज़ जो है बेधड़क कीजिए वहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सेफ फील कराती है भी। अगर आपका पैर मान लीजिए किसी वजह से थोड़ा बहुत ढीला पड़ जाता है ब्रेक पर, तो वहाँ पे आप रिस्क मत लीजिए वो, और हैंड ब्रेक का यूज़ करिए। हैंड ब्रेक आप ऊपर एक बार खींच देंगे तो गाड़ी सरकेगी भी नहीं, वहाँ पे बहुत कम चांसेस है। और पैर भी अपना ब्रेक पर रखिए, जिससे कि बिल्कुल ही चांस ना हो कि गाड़ी पीछे जाए। तो इस चीज़ का जो है आपको यूज़ करना होता है। अब दोस्तों, बात आती है नाइट टाइम ड्राइविंग की, तो नाइट टाइम ड्राइविंग में भी ये चीज़ लागू होती है। आप अपना जो बीम है, लो बीम रखिए गाड़ी को, इस लीवर का यूज कीजिए,
इससे लोअर हाई बीम आप दोनों कर सकते हैं, तो इससे लो बीम पे रखिए आप रात के टाइम पे, स्पीड आपकी कम रखिए, अपना जो पैर है वो क्लच से मत हटाइए, क्लच का आपको यूज़ वहाँ पे करना ही करना है, क्योंकि आपको ब्रेकिंग भी बार बार करनी है, एक्सेलरेशन बार बार करना है, गियर भी बार बार शिफ्ट करने पड़ सकते हैं आपको वहाँ पे, क्योंकि हाईवे पे हम जो है क्लच से रेस्ट दे सकते हैं पैर को, लेकिन ऐसी जगह पे क्लच से ज़्यादा रेस्ट हम नहीं दे सकते हैं पैर को। आपके जो फॉग लैंप्स है, हेडलैम्प्स है, वो ऑन होने चाहिए और लो बीम पे होने चाहिए। इंडिकेटर का हमेशा इस्तेमाल करिए, और कभी भी आप ओवरटेक कर रहे हैं रात में तो हमेशा ध्यान रखिए कि आगे से अगर कोई लाइट पड़ रही है दूसरी लाइन से तो आप कभी भी ओवरटेक ना करें। जब आपको खाली दिख रहा है रास्ता तो ही करें, किसी भी टर्न पे आप ओवरटेक ना करें किसी व्हीकल को। टर्न पे आप आगे से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई व्हीकल आगे से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे डाउन हिल के बारे में कि डाउन हिल आपको कैसे जाना होता है। देखिए आपको एक यहाँ पे ऐसी टेक्निक, एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा मैं जिससे कि ईजिली जो है डाउन हिल चला सकते हैं, आपको कोई रिस्क ही नहीं लगेगा कुछ भी। किसी पैडल को आपको बार बार दबाना या जो है छोड़ना नहीं पड़ेगा, तो बहुत ही एक ईजी ट्रिक है वो। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ होती है, अगर आप न्यूट्रल कर देते हैं गाड़ी को, जो सेल्फ एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस चीज़ से आपको बचने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको भी बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे एक शार्प जो है डाउनहिल स्लोप आ रहा है, नीचे की तरफ जाने वाले हैं हम यहाँ से। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने तीसरा गियर शिफ्ट कर लिया है, अब हल्का सा एक्सेलरेट करके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, क्लच को भी पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा और जो एक्सेलरेटर है उससे भी पैर को हटा लूंगा। अब यहाँ पे स्पीड देखिए गाड़ी की, स्पीड है गाड़ी की 25 किलोमीटर एन आवर। अब ये 25 ही रहेगा चाहे मैं कितना ही डाउनहिल जा रहा हूं, क्योंकि ये जो हो रहा है यहाँ पे, अरे भाई कहाँ आ रहा तू भाई, आगे भी तो देख ले भैया। तो दोस्तों थर्ड गियर में अगर मैं गाड़ी को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, 25 के आसपास गाड़ी रहेगी, जो स्पीड है गाड़ी की वही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये इंजन ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे। थर्ड गियर में गाड़ी शिफ्ट है तो बिना एक्सेलरेट किए 20-25 से ऊपर नहीं जा सकती, चाहे मैं कितने ही ढलान से ड्राइव कर रहा हूँ। अब अगर मैं न्यूट्रल में कर देता हूँ गाड़ी को, तो देखिए यहाँ पे स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। ये गलती कभी मत करिए आप, न्यूट्रल में कभी गाड़ी को मत छोड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे पैडल्स पे एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। देखिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा है यहाँ पे, लेकिन अगर मेरी गाड़ी दूसरे या तीसरे गियर में होगी तो मुझे वहाँ पे पैडल्स पे कोई काम नहीं करना, ईजिली मेरे को सिर्फ अपना स्टेयरिंग संभालना है। देखिए वही स्पीड रहेगी चाहे कितना ही डाउन स्लोप आ जाए, तो ये चीज़ आप हमेशा करिए। ऐसा नहीं कि आपने इंजन को जो ऑफ कर दिया है या फिर न्यूट्रल में छोड़ दिया है, तो वो दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं ऐसे में। तो दोस्तों ये थी अप हिल और डाउन हिल ड्राइविंग, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको यहाँ से मेरा घर भी दिखाई दे रहा होगा, वो जो आप देख रहे हैं यार यहाँ पे नहीं है, मेरा घर बहुत दूर है भाई यहाँ से। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखिए बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, इसको लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।